हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज़ आल्सो गोइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो एग्ज़ाम है वो 31 जुलाई को होना ही है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो उसके आ चुके हैं। बीच में कुछ टाइम जो न्यूज़ और अफवाहें चली थी कि एग्ज़ाम 28 अगस्त को होगा, ठीक है, मेरी लास्ट वीडियो भी इसी पर थी जो न्यूज़ या इनपुट जहाँ से मिली थी, तो अब वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं, कुछ लोगों ने देखने के बाद अभी डाउनलोड नहीं किए हैं और कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। तो वेबसाइट अभी आज या बिज़ी रहे आपकी तो कल या परसों डाउनलोड कर लेना उसको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब लास्ट टाइम में क्या पढ़ें, 3-4 दिन रह गए हैं और इसमें कैसे मतलब क्या करना है, तो बस आपको करंट अफेयर के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इसमें। करंट अफेयर में अगर हम देखें तो जून, जुलाई और इधर मई, इन 3 मंथ में आप अपना थोड़ा सा मतलब फोकस ज़्यादा रखना, इनके क्वेश्चंस को ज़्यादा अटैम्प्ट करना, जितना ज़्यादा कंटेंट ले सकते हैं इन्हीं 3 मंथ में लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से जो प्रीवियस पेपर हुए थे अभी 2 उसको अगर हम देखें तो मतलब जो रिसेंट के मंथ थे उनसे ही उठाए गए थे। बाकी अगर आप किसी चीज़ का टेस्ट लगा रहे हैं तो वो टेस्ट ना लगाएं, टेस्ट लगाना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप टेस्ट लगाएंगे और आपके मार्क्स कम आए तो आप खामखा नेगेटिविटी में चले जाएंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए। कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल किसी का किसी से ना करें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी है और किसी और की प्रिपरेशन है वो उसकी है। वो लेखपाल बनेगा तो वो अपनी मेहनत से बनेगा और आप लेखपाल बनेंगे तो अपनी मेहनत से बनेंगे, ठीक है। तो किसी तरीके का कोई कंपैरिजन किसी से ना करें। हो सकता है कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 1 साल का पढ़ रहा है, तो वो सब एक बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। भले ही आप सब एक एग्ज़ाम दे रहे हैं लेखपाल का, क्वालिफाई हुए हैं, बट उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी से भी, किसकी कितनी नॉलेज है, कौन कितनी जल्दी ग्रैब कर ले रहा है चीज़ों को, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उस चीज़ को भी आप ना करें, क्योंकि फिर ये चीज़ें करेंगे आप तो डीमोटिवेट होंगे कि भाई फ़लाँ आदमी के 87 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, मेरे यार 50, 55, 60 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी कंपैरिजन ना करें, टेस्ट कोई ना दें आप, क्योंकि टेस्ट का टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें और करंट अफेयर को पढ़ते रहें बार बार। बाकी जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, उसमें भी जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस जुलाई तक डाल दिए गए हैं और साथ में रिवीजन भी चल रहा है सारे सब्जेक्ट का, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का मैं चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब क्या रह गया, कुछ ऐसा तो रह नहीं गया। अच्छा मूड रखें और एक आध दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि सेंटर भी आपके दूर हैं, तो हो सकता है एक दिन पहले तो आपकी वैसी पढ़ाई छूटे, तो नेगेटिविटी से ज़्यादातर दूर रहें और पढ़ें उतना ही जितना आपका माइंड करे, अच्छी नींद लें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।